हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स एग्जिटो। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इंटीजर प्रोग्रामिंग, दैट इज इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो कि हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन है। इससे पहले हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की 4 वीडियोस कर चुके हैं, जिसमें हमने पहली वीडियो में देखा था उसको कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, फिर ग्राफिकल मेथड, फिर उसका हमने सिंप्लेक्स मेथड, और फिर हमने कुछ स्पेशल केसेस देखे थे। अब ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक एक्सटेंशन है। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में डिफरेंस क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हमारे पास होता था कि हमारा नॉन इंटीजर वैल्यू आ सकती थी, हमारी इंटीजर वैल्यू भी आ सकती थी और नॉन इंटीजर वैल्यू भी हमारे आंसर में आ सकती थी। बट हमारे IPP, दैट इज इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो हमारा फाइनल आंसर है वो खाली इंटीजर में हो, दैट इज जो वेरिएबल्स है हमारे पास, जो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल्स गिवन है वो हमारे इंटीजर में रहे। तो ये सिंपली उस जो हमारी अजम्पशन थी नॉन नेगेटिव वाले की रिलैक्सेशन है, और ये खाली एक स्पेशल क्लास है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का। दो तरह की इसकी क्लासिफिकेशन है, प्योर IPP जहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सभी हमारे को इंटीजर में चाहिए अपने फाइनल आंसर में, और मिक्स में जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा इंटीजर्स हमारे होने चाहिए पर्टिकुलर वेरिएबल के। जैसे यहाँ पे गिवन है X1 हमारा इंटीजर होना चाहिए, X2 हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो इस टाइप के को हम मिक्स्ड IPP कहते हैं। अब 0-1 मॉडल की बात करें, जहां पर हमारे पास टोटल दो आंसर आते हैं लॉजिकली, दैट इज या तो येस और नो या फिर 0 और 1 एज इन केस ऑफ बाइनरी, तो उसको हम 0-1 मॉडल कहते हैं। इसकी एप्लीकेशन है हमारे पास असाइनमेंट प्रॉब्लम, कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम, फिक्स चार्ज प्रॉब्लम, फैसिलिटी लोकेशन प्रॉब्लम, या फिर IP एंड पीस वाइज लीनियर फंक्शन। अब जो मेथड्स हैं IPP को सॉल्व करने के वो मेन है। IPP कैसे पता चलता है वो हमने देख लिया कि हमें क्वेश्चन में नीचे जो लास्ट वाली हमारी लाइन होती है मोर देन इक्वल टू 0 वाली, उसमें आगे इंटीजर वाली कंडीशन गिवन होगी। तो हमारे पास दो मेथड है, गोमोरीज कटिंग प्लेन मेथड जो कि सिंप्लेक्स मेथड पर बेस्ड है या फिर उसी का एक्सटेंशन है, और ब्रांच एंड बाउंड मेथड जो कि ग्राफिकल मेथड पर बेस्ड है। पहले गोमोरीज कटिंग प्लेन मेथड पे देखते हैं। इसके हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। पहला, हमें सिंप्लेक्स मेथड से ऑप्टिमल टेबल निकालनी है अज्यूम करते हुए कि हमारे पास इंटीजर की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा, चेक करना है कि हमारा आंसर इंटीजर है या नहीं। तीसरा स्टेप, हमें ये मैक्सिमम FB1 एंड FB2 ढूंढना है कंस्ट्रेन में से। कैसे ढूंढते हैं वो भी हम समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। स्टेप 4 में हमारी गोमोरी कंस्ट्रेंट या गोमोरी इक्वेशन जो कि ये मैंने मेंशन करी है, इसमें हम वैल्यू पुट करके इसको ढूंढते हैं। स्टेप 5 में हम गोमोरी इक्वेशन को अपने स्टेप 1 में सिंप्लेक्स टेबल जो फाउंड की थी उसमें इंक्लूड करते हैं। स्टेप 6 में हम इस टेबल को डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारी जो जी की क्वांटिटी वैल्यू होती है वो नेगेटिव निकलती है गोमोरी इक्वेशन से हमेशा, तो जब भी नेगेटिव वैल्यू हमारे पास क्वांटिटी में होती है वहाँ हम डुअल सिंप्लेक्स यूज करते हैं, सिमिलरली हम यहाँ करेंगे। स्टेप 7 में हम इस सिंप्लेक्स टेबल को सॉल्व करेंगे, और अगर हमारा आंसर इंटीजर आ जाता है वी आर डन, और अगर नहीं आता तो हमें दोबारा से अपने सारे स्टेप्स रिपीट करने होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है ये, जिसमें 3 कंस्ट्रेंट्स हैं और लास्ट में हमारे पास ये इंटीजर वाली कंडीशन भी है। तो अगर आप ध्यान दें तो नॉर्मल क्वेश्चन में LPP के और IPP के में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली मेंशन कभी नहीं करेगा कि उसने IPP दिया है या LPP, ये आपको ये वाला चीज ढूंढना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद देखते हैं या इंटीजर लिखा है, या कई बार मिस हो जाता है क्योंकि लास्ट वाली लाइन पे हमारा ध्यान पड़ता ही नहीं है, वो तो रटी रटाई लाइन है कि हम एज इट इज लिख देते हैं। तो ये केयरफुली आपको देखना पड़ेगा अगर आपके सिलेबस में इंटीजर भी है तो। सॉल्यूशन, सबसे पहले हमें ऑप्टिमल टेबल निकालनी है सिंप्लेक्स मेथड की। तो सबसे पहला सिंप्लेक्स का स्टेप, हमारे इन इक्वालिटीज को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करना, यहाँ मैंने कर दी, और सिंप्लेक्स टेबल का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया है। अगर आपको सिंप्लेक्स टेबल कैसे बनाते हैं या सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है समझना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी आपके साथ। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो इसलिए ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है LPP का। बट अगर हम यहाँ देखें, ये हमारा फाइनल आंसर होता है जो हम कोट करते हैं, ये हमारा, इसके दोनों वेरिएबल्स हमारे इंटीजर्स नहीं है, तो इसीलिए हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 है हमारा, हमें कंस्ट्रेंट ढूंढना है,
जब हम इस फॉर्मूले से ढूंढते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो किसी भी नंबर को हम उसके इंटीजर प्लस उसके फ्रैक्शनल पार्ट में तोड़ सकते हैं। रफ वर्क में x1 से समझते हैं, अगर हमारे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 है तो हमारे पास 3:1/2 आता है। ये तो आप सबको आता होगा कि जो ऊपर वाला होता है वो यहाँ आता है और रिमाइंडर ऊपर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3:1/2, जो 3:1/2 ही रहेगा तब भी तो यहाँ आ गया। सिमिलरली हमने x2 का ढूंढ लिया, अब यहाँ पर क्योंकि दोनों सेम है तो सेम ही आ गया। अब हम इस मैक्सिमम वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं और दोनों के सेम होने की वजह से हमारा मैक्सिमम भी सेम आया। तो हम कोई सी भी इक्वेशन चूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम 1 चूज कर रहे हैं, बट अगर मैक्सिमम आता है दोनों में से तो जिसका मैक्सिमम आया हम वो इक्वेशन लेके चलेंगे। अभी हमने इक्वेशन 1 ले ली है। अब जो गोमोरी कंस्ट्रेंट इक्वेशन है उसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। मेन स्टेप हमारा ये है, जहां पर हमारा आई जो होगा, कौन सी इक्वेशन हमने सेलेक्ट करी है उस इक्वेशन का नंबर, दैट इज इस केस में 1। कितने हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं, कितने हमारे पास टोटल वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे इस क्वेश्चन के आई 1 है, हमारे पास बेसिक वेरिएबल 2 हैं एम 2, और टोटल वेरिएबल्स हमारे पास ये 5 हैं। तो हम इस इक्वेशन में आई को 1 रखेंगे तो बी 1 आ गया और ये 3 से लेके 5 तक हमारे पास आ गया। तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1, 3, 1, 4 एंड 1, 5, क्योंकि जे जो है उसमें हम 3, 4, 5 पुट करेंगे 1 by 1, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। तो पहले F13 क्या है, हम सी जे माइनस जेड जे रो में से F की वैल्यू ढूंढते हैं और उसमें से भी सिर्फ उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेते हैं। तो S1 के नीचे हमारे पास 1/2 आया, ये ओनली फ्रैक्शन है तो 1/2 हुआ। फिर F14 हमारे पास यहाँ पर 1 गिवन है, अब क्योंकि 1 के साथ कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है तो F14 इज 0। सिमिलरली F15 इज ऑल्सो 0 क्योंकि इसके साथ भी कोई फ्रैक्शन नहीं है। इन तीनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया और हमारी फाइनल गोमोरी इक्वेशन या फिर गोमोरीज कंस्ट्रेंट ये आया। नेक्स्ट हम करेंगे, अब इस इक्वेशन को हम अपनी सिंप्लेक्स टेबल जो हमने ऑप्टिमल निकाली थी उसमें फॉर्मुलेट करेंगे। तो पहले तो वो सिंप्लेक्स टेबल हमने लिख ली, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जी को ऐड कर लेंगे। G1 हमारा ये कंस्ट्रेंट ऐड हुआ है ना, तो इसको हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद हमने तीनों एज इट इज 0, 0, 0 लिखा, क्योंकि फर्स्ट थ्री इक्वेशंस में तो हमारे पास जी नहीं था। यहाँ पर ध्यान दें, ये S1, S2 और S3 है ना कि X, तो G1 हमारे पास नहीं था, हमने यहाँ 0, 0, 0 लिख लिया। अब जो -1/2 है यहाँ लिखा हमने और ये एज इट इज यहाँ कॉपी कर लिया। उसके बाद जेड जे जैसे हम निकालते हैं और फिर सी जे माइनस जेड जैसे हम निकालते हैं। अब सारे गोमोरी वेरिएबल जो हमने ऐड किया, दैट इज ये -1/2, ये नेगेटिव ऐड किया, इसके नेगेटिव होने की वजह से हम इसे डुअल सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब डुअल सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पर मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने सिंप्लेक्स मेथड की टेबल वाली वीडियो में इसको नहीं बताया था, तो यहाँ मैं क्लियर कर देती हूँ। डिपार्टिंग वेरिएबल निकालने के लिए हम मिनिमम लेते हैं क्वांटिटी वेरिएबल वाले में से। यहाँ मिनिमम क्या है, -1/2, तो ये हमारा डिपार्टिंग वेरिएबल हो गया। फिर एंटरिंग वेरिएबल हम लेते हैं मैक्सिमम ऑफ डेल्टा जे डिवाइडेड बाय एक्स आई जे ऑफ डिपार्टिंग वेरिएबल, जहां पर भी एक्स आई जे लेस देन इक्वल टू 0 है। अब ये लेस देन इक्वल टू 0 इस केस में तो सिर्फ यही है, अगर हमारे पास इससे ज्यादा होते तो हम उन सबकी वैल्यू ऐसे निकालते, दैट इज हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय -1/2, ऐसे सबको निकालते, उसमें से जो मैक्सिमम आता है उस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं। इस केस में एक ही है तो हम इसको अपना एंटरिंग वेरिएबल ले लेंगे। अब स्टेप 7 है, सिंपलेक्स टेबल को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो हम जो की रो होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं की नंबर से, फिर जो की कॉलम होता है उसको हम 0 लिख लेते हैं सिवाय की नंबर के, और बाकी सारे न्यू नंबर्स हम कैलकुलेट करते हैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला से जो मैंने अपने सिंप्लेक्स टेबल की वीडियो में आपको बताया हुआ है। आगे हमने सॉल्व किया और यह है, अब यहाँ देखें तो ये हमारे सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव आ गई। ऑप्टिमल सॉल्यूशन है LPP का, और जो हमारे बेसिक वेरिएबल्स थे X1, X2, जिनके हमारे पास कंडीशन थी कि ये दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, वो इंटीजर्स भी आ गए। तो फाइनली हमारा सॉल्यूशन है X3, X2, S3, S1 एंड मैक्सिमाइज ऑफ Z इज 10।
सारे हमारे पास जो x1 x2 हैं वो हमारे इंटीजर आ गए, भले ही s3 और s1 हमारे नॉन इंटीजर्स रह जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे इंटीजर आ गए, तो हमारा ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया एज पर आईपीपी। आल्सो स्टेप 8 जो है, अगर यहाँ पर नॉन इंटीजर आता हम तो लेते हैं, तो इस वक्त स्टेप 8 की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम ब्रांच एंड बाउंड मेथड पे। स्टेप 1 सॉल्व द आईपीपी प्रॉब्लम यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। स्टेप 2 चेक इफ द सॉल्यूशन इज इंटीजर और नॉट। अगर इंटीजर नहीं है तो स्टेप 3 पर जाएंगे, जो कि है ब्रांच द वैल्यू विच इज नॉट इंटीजर। स्टेप 4 फाइंड द इंटीजर इन बिटवीन विच द नॉन इंटीजर सॉल्यूशन इज फॉलिंग एंड फाइंड द एक्सट्रीम कंस्ट्रेंट्स। स्टेप 5 हम इस कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे अपनी प्रॉब्लम में, एक सब कैटेगरी बनाकर उसको सॉल्व करेंगे। स्टेप 6 है ड्रॉ करेंगे हम सब प्रॉब्लम का ग्राफ, और फिर स्टेप 7 है रिपीट करेंगे 3 से लेकर 6 तक के स्टेप। फिर स्टेप 8 में हम अपनी ब्रांचेस आफ्टर रीचिंग ऑल द इंटीजर्स ड्रॉ द ब्रांच डायग्राम। उस ब्रांच डायग्राम में से सेलेक्ट द प्रॉब्लम गिविंग इंटीजर इन द ब्रांच डायग्राम। और स्टेप 10 फ्रॉम द सेलेक्टेड इंटीजर इन स्टेप 9 सेलेक्ट द मिनिमम या मैक्सिमम ऑफ जेड, जैसा भी हमारा केस होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये बहुत सिंपल है। क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स हैं और हमारे पास इंटीजर वाली कंडीशन है, हमें ब्रांच एंड बाउंड मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप हमारा आएगा ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करो। तो हम इसकी टेबल बना लेते हैं दोनों इक्वेशंस की, ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन, और ये हमारा आ गया शेडेड रीजन। तीन हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, तीनों की वैल्यू ये टेबल लिखी। जेड की वैल्यू हमारी मैक्सिमम आ रही है बी पे। अब जो ये 41.25 है, ये हमारा जो दोनों हैं नॉन इंटीजर्स हैं x1 और x2। तो हम स्टेप 3 की तरफ जाएंगे, तो अब इसको हम ब्रांच करने जा रहे हैं। अब ब्रांच हम कैसे करते हैं, उससे पहले यहाँ पर देखिए हमें वो इंटीजर लेना है जो हमारा नॉन इंटीजर आ रहा हो। तो यहाँ पर तो हमारे दोनों ही हैं, इसीलिए जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होती है अब हम उसको लेके ब्रांच करना शुरू करेंगे। इस केस में हमारा है x1। स्टेप 4 है हमें बीच का उसके दोनों तरफ के इंटीजर्स निकालने हैं जहां पर हमारा ये लाई कर रहा है। तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और ये हमारा 3.75। 3 के लेफ्ट में 3 एंड 3 के 4 में इस 4 सॉरी 3.75 से पहले 3 आता है और उसके बाद 4 आता है, जो प्रॉपर इंटीजर बनता है। तो x जो है वो हमारा लेस देन इक्वल टू 3 और x1 हमारा मोर देन इक्वल टू 4 भी होने चाहिए। तो ये हमारे दो अलग अलग कंस्ट्रेंट हो गए, ये प्रॉब्लम ए और ये प्रॉब्लम बी। जो मैंने यहाँ हाईलाइट करी है ये दोनों इक्वेशंस, ये हमने ऐड करी है। बाकी जो हमारा इनिशियल क्वेश्चन था सेम हमने एज इट इज यहाँ पर लिखा है। एक ये वाली इक्वेशन ऐड हो गई, एक ये वाली इक्वेशन इसमें ऐड हो गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। बाकी इक्वेशन अगर हम देखें तो दोनों तो एज इट इज आ गई, मोर देन 3 की इक्वेशन ये, हमारे शेडेड रीजन ये मैक्सिमम हुआ 39 पे 33। अब क्योंकि दोनों इंटीजर्स आ गए हैं तो इसको हम फर्दर ब्रांच नहीं करेंगे। प्रॉब्लम बी हमारी आती है, यहाँ मोर देन इक्वल टू 4 है ये शेडेड रीजन मैक्सिमम इतना, एंड ए इज 4 एंड 1.8। एक ही इंटीजर है, एक इंटीजर अभी नहीं आया है, दैट इज 1.8 इंटीजर नहीं है। तो जो 1.8 वाला पॉइंट है इसको हम फर्दर ब्रांच करेंगे। फर्दर ब्रांच करने के लिए हम 1.8 से लेफ्ट में 1 और राइट में 2। अब यहाँ पर क्योंकि 1.8 हमारा सेकेंड वाला वेरिएबल था तो इसलिए हमने x2 लिया है। इसको हम फर्दर सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करेंगे, और नोट करने वाला पॉइंट ये है क्योंकि हम जो मोर देन इक्वल टू 4 वाली प्रॉब्लम है दैट इज सब प्रॉब्लम बी को फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, तो जो सब प्रॉब्लम सी आएगी उसमें वो वाली इक्वेशन तो आएगी 4 वाली, प्लस साथ में ये माइनस लेस देन इक्वल टू 1 वाली और मोर देन इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन भी एड होंगी। इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, जिनके ग्राफ्स मैंने यहाँ मेंशन बना दिए हैं, और इसको हम फर्दर ब्रांच करेंगे क्योंकि इसका x1 जो है वो अभी भी नॉन इंटीजर है। इस केस में देखिए हमारे पास कोई भी फिजिबल रीजन नहीं आ रहा है, तो ये हमारा इनफिजिबल सॉल्यूशन हो गया, इसको हम यहीं ड्रॉप कर देंगे। इसको हम फर्दर ब्रांच करने जा रहे हैं, तो इसको ब्रांच करते हैं। प्रॉब्लम ई और प्रॉब्लम एफ में हमने ब्रांच किया है,
और फिर इनके ग्राफ्स हम बनाकर सॉल्यूशन जो आया है मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। 41 एंड 50 दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, तो हमारा ब्रांचिंग यहाँ खत्म हो जाएगा। अब हम स्टेप 8 पर जाएंगे। स्टेप 8 कहता है ब्रांच जो बनाए उस पर ग्राफ बनाओ। इनिशियल प्रॉब्लम ये थी, उसका सॉल्यूशन ये था। उससे हमने प्रॉब्लम ए और प्रॉब्लम बी बनाई जिनके सॉल्यूशन हमने लिख लिए। प्रॉब्लम बी को हमने फर्दर ब्रांच किया था ए नहीं, बी को हमने सी और डी में ब्रांच किया था। उसके बाद सी को हमने फर्दर ई और एफ में ब्रांच किया था और डी को हम ब्रांच नहीं कर पाए थे क्योंकि वो इनफीजिबल सॉल्यूशन था। स्टेप 9 आता है, इसमें से जो जो इंटीजर्स हैं इस वाली ब्रांच में, अब जो भी इंटीजर्स आए हैं जहाँ पर आंसर, उसको सेलेक्ट करो। 33, 41 एंड 50। अब जो हमारा फाइनल स्टेप आया है इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम निकालने का आया है। तो हमारा केस क्या था क्वेश्चन का, ये हमारे पास तीन आंसर्स आए। इसमें से हमारा मैक्सिमाइजेशन का केस था, तो जेड इज इक्वल टू 40 वाला हम ले रहे हैं, दैट इज प्रॉब्लम एफ जो है हमारा फाइनल आंसर है और ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमारा ये है। डन, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी डाउट हो तो आप आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।